प्लीज इसके अंदर ब्लू मैक्रून्स आ जाओ, मुझे भूख लगी है, प्लीज प्लीज। Hello everyone, I hope you're learning good. So guys, finally I'm doing this challenge, eating only one color for 24 hours. And आज मैं पूरा दिन ब्लू चीजें खाने वाला हूँ, पीने वाला हूँ, पहनने वाला हूँ, and I'm super duper excited about it. And मैंने आप लोगों के comments पढ़े थे that please do food color challenge for 24 hours. So there you go. And yes, if you also like blue color, then drop blue heart in the comment section. And आज बहुत ही मजा आने वाला है. Just imagine. ब्लू कलर की चीजें खाने पीने की मतलब चीजें मिल जाए तो बहुत ही मजा आने वाला है. एंड मैं जितनी भी चीजें लेता हूँ सारी ब्लू ही चीजें लेता हूँ, बी टी शर्ट, वॉच और जीन्स और शूज और माय मेकअप पाउच, मेकअप बैग, एवरीथिंग इज ब्लू. सो बस घर को पेंट ब्लू करना बाकी रह गया, वो छोड़ दिया है. सो यस, चलिए आज का दिन शुरू करते हैं. एंड अभी सुबह के 11 बज रहे हैं तो मुझे कुछ ब्रेकफास्ट में खाना है, तो मैं खाऊंगा पीऊंगा स्मूदी. एंड स्मूदी मैं आपको बताता हूं कि कैसे बनाने वाला हूं, ब्लू कलर की स्मूदी. यस, मजा आएगा. ओके, सो लेट्स मेक आवर ब्लू स्मूदी. एंड आप पूछोगे कि ब्लू कहाँ है, ब्लू यहां है. ओके, तो मैंने ब्लू को मिल्क करने के लिए यूज किया ये बटरफ्लाई पी और ब्लू टी. टंग ट्विस्टर हो गया. बटरफ्लाई पी ब्लू टी ब्लर, बटरफ्लाई पी ब्लू टी ब्लड, बटरफ्लाई पी ब्लू टी, बटरफ्लाई पी ब्लू टी, बटरफ्लाई 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 पी ब्लू टी बटर. गाइज ये सच में टंग ट्विस्टर हो गया आपके लिए. एक चैलेंज है, चलिए टंग ट्विस्टर चैलेंज मैं आपको देता हूँ. आपको बोलना है बटरफ्लाई पी ब्लू टी एंड यू टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज, देखते हैं कौन करता है. बटरफ्लाई पी ब्लू टी, बटरफ्लाई पी. तो ये बटरफ्लाई पी फ्लावर्स कुछ ऐसे दिखते हैं और इसे मैंने मिल्क में डाल के बॉइल कर लिया है और मेरा मिल्क जो है ब्लू हो चुका है. वो लुक एट द कलर मैन, लुक एट द कलर. अब मैं इसमें डालूंगा फ्रूट्स. इसमें जाएगा बनाना, एप्पल, कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड इसमें जाएगा हनी. ओ हनी, लेट्स हैव दिस. किसी को भूख लगी हो या ना लगी हो, कलर देख के कोई बंदा पी जाइए. आई बिलीव आई कैन फ्लाई. यूज किया है मैंने पी बटरफ्लाई. ओके, सो माई ब्रेकफास्ट इज सॉर्टेड एंड अभी मुझे टेंशन हो रही है लंच की. लंच में क्या खाऊंगा. वैसे तो आज मुझे आम रस और पूरी खाने का मन कर रहा था लेकिन मैं आम रस को ब्लू नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, कोई नहीं, सोचते हैं, देखते हैं कि क्या मैं खा सकता हूँ दोपहर को. एंड यस, मैं ब्लू शावर जल भी लेके आ चुका हूँ, आज मैं इससे नहाने वाला हूँ. तो मेरा दिमाग नहीं खा पाएगा, ब्लू नहीं है. वाह, ओके गाइस, आई एम डन विद माय शावर एंड आई एम वेयरिंग माय न्यू ब्लू टी शर्ट विद माय वॉच एंड ब्लू जीन्स पहनी है मैंने. एंड राइट नाउ इट्स 1:30, भूख लग रही है मुझे और प्यास भी बहुत लग रही है. और ब्रेकफास्ट के बाद स्मूदी पीने के बाद मैंने ना ही कुछ पिया है ना ही कुछ खाया है और पानी पीना है तो मुझे उसे ब्लू करना पड़ेगा पहले, फिर ही मैं पी पाऊंगा. तो मैं पहले पानी को ब्लू करता हूँ एंड उसके बाद लंच प्रिपेयर करते हैं. और लंच में मैंने सोचा है कि मैं ब्लू चपाती बनाऊंगा और साथ में मलाई को मे भी थोड़ा मैं ब्लू करके उसके ऊपर शक्कर डाल के खा लूं तो मजा आएगा. वैसे यार मलाई रोटी एंड शक्कर बहुत ही यम लगता है. या तो मेरे पास योगर्ट है तो लेट्स सी कैसे क्या खाता हूँ, कैसे क्या बनता है. सो चलो बनाते हैं ब्लू वाटर. वाह, ओके, तो मैं ये जो बटरफ्लाई पी फ्लावर जो है इसको अंदर डालूंगा, थोड़ी देर सोक होने दूंगा तो पानी का कलर जो है ब्लू हो जाएगा. इसे इतना टाइम लगा सोक होने में कि मेरी प्यास ही बुझ गई. नाइस, ओके, सो अब मैं अपने लिए बनाऊंगा रोटी और मेरा टाइम हो गया बहुत ही खोटी. इट्स 2:00, मुझे बहुत ही भूख लगी है तो जल्दी जल्दी रोटी बनाता हूँ. सो ये रहा आटा एंड इस आटे को मैं गूंदूंगा इस ब्लू वाटर से, तो लेट्स सी कैसा बनता है ये.
यार ये सबसे बहुत डिफिकल्ट काम है यार, ये आटा गूंदना। और इतनी मेहनत करने के बाद ये ऐसा कुछ आटा गूंदा है मैंने, और जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं है, और जैसा नहीं सोचा था वैसा हो चुका है। तो दरअसल मैंने सोचा था कि ये ब्लू हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ग्रेइश कलर का बना है आटा मेरा, एंड आई डाउट कि इससे मेरी ब्लू रोटी बनेगी। तो ये आइडिया फेल हो चुका है, मतलब रोटी तो बनी नहीं यहाँ पे जैसे ब्लू कलर की हमने सोची थी, ये कुछ ग्रेइश रोटी बनी है जिसे मैं खा नहीं सकता। एंड आई एम सुपर डुपर हंग्री नाउ। मेरे दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन लंच मेरा फेल हो चुका है। एंड आई हैव दिस योगर्ट, ब्लूबेरी योगर्ट, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं बहुत दिनों बाद किचन में गया एंड आई मेड रोटी। आई गेस मैंने 4 से 5 महीने पहले किचन में जाके पीटा ब्रेड बनाया था। एंड आई लव कुकिंग, चॉपिंग भी मुझे बहुत पसंद है जैसे आप सबको पता है। सो यस, मैं कुछ ना कुछ घर पे चीजें बनाता रहता हूँ, लेकिन बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा कुछ बनाया तो फेल हो गया, वो अलग बात है। What? Are you kidding me? ये भी खाने नहीं मिलेगा, मेरे पास सिर्फ कैंडीज है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब इसमें से ब्लू ढूंढो। वाह, खाना तो नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे, काम पे काम करना पड़ रहा है। ओएमजी गाइस, लुक एट दिस, इसके अंदर एक भी ब्लू कलर का कैंडी नहीं है। आर यू किडिंग मी, इसमें एक भी ब्लू कलर का कैंडी नहीं है, लुक एट दिस। ओ भाई मारो मुझे, मारो। क्या मतलब मुझे कलर ब्लाइंड हो गया कि मुझे कलर नहीं दिख रहा ब्लू, कि मतलब इसमें सच में ब्लू कलर नहीं है? ये आपके सामने मैंने इसे अनरैप किया है एंड आई कांट सी एनी ब्लू कैंडी हियर। मतलब बहुत जोरों की भूख लगी है एंड मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैं बस रेस्टोरेंट में कॉल करके पूछ रहा हूँ कि अगर कुछ ब्लू चीज मुझे खाने के लिए मिल जाए, और यहाँ पे ये फोन नहीं उठा रहे। अरे उठाओ यार फोन, उठाओ, भूख लगी है। दूसरे रेस्टोरेंट में ट्राई करते हैं, यहाँ पे कुछ शायद ब्लू खाना मिल जाए। उठा लो आप तो, उठा लो प्लीज, उठा लो। हेलो, मैम आपके रेस्टोरेंट में कुछ ब्लू फूड है क्या खाने के लिए? जितना वियर्ड लग रहा है ना किसी को फोन करके पूछते हुए कि आपके रेस्टोरेंट में कुछ ब्लू खाना है क्या। अरे उठाओ, कोई तो फोन उठाओ। अरे यार आई एम सो हंग्री, उठा ही नहीं रहा कोई फोन। उठाओ फोन, उठाओ कोई। चल रहा है, चल के आमरस खा ले। तुझे खाना है तू खा ले जाके, मुझे अपना करने दे जुगा। बहुत भूख लगी है, अभी मैं अपनी ब्लू बॉटल से ब्लू पानी पी लेता हूँ, कुछ ना सही तो यही सही। मैंने इतना सर्च किया, फिर जाके मुझे मिले मैक्रून्स, और वहां पे मेन्यू में तो फ्लेवर वाइज मुझे कुछ ब्लू दिखा नहीं, लेकिन फोटो में एक मैक्रून दिख रहा था ब्लू कलर का, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। और मैंने वहां पे मेंशन भी किया था दैट आप जितने भी मैक्रून्स डालो प्लीज ब्लू कलर के डालना। तो लेट्स सी कि यहाँ पे ब्लू मैक्रून्स मुझे मिले हैं या नहीं। सो ये रहा मेरा पार्सल, आई होप इसके अंदर ब्लू हो। प्लीज इसके अंदर ब्लू मैक्रून्स आ जाओ, मुझे भूख लगी है। प्लीज प्लीज, गाइस लुक एट दिस, कितने क्यूट लग रही है। अब जाके मुझे शांति मिली, अच्छा हुआ कुछ ब्लू मिल गया और स्वीट मिल गया, ताकि मेरा पेट भर जाए, अभी ज्यादा भूख ना लगे। मेरी शाम तो ऐसे निकल जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन
अब मुझे फिर से टेंशन हो रहा है डिनर का कि मैं क्या करूं, बिकॉज लंच मैंने जो प्लान किया था वो तो मेरा वॉक हुआ नहीं. एंड लेट्स सी रात को मैं क्या बना के खाता हूँ, बट अभी के लिए मुझे मिल चुका है, सो आई एम सो हैप्पी. मेरा जो डिनर है मेरी दी ने मुझे सजेस्ट किया है, एंड दोपहर को तो कुछ खाने मिला नहीं, रात को एटलीस्ट मुझे कुछ मिल रहा है, तो आज मैं बनाने वाला हूँ, मतलब अभी बनाने वाला हूँ व्हाइट सॉस पास्ता. एंड नहीं, व्हाइट सॉस पास्ता नहीं, ब्लू सॉस पास्ता. तो यहाँ पर मैंने पास्ता बॉईल कर लिया है और यहाँ पर मैंने पी फ्लावर को मिल्क के अंदर सोक करके रखा है और ये जाएगा पास्ता के अंदर और हमारे व्हाइट सॉस सॉरी ब्लू सॉस पास्ता तैयार. मम्मा मिया, ये रहा हमारा ब्लू पास्ता. हम खाएगा पेट भर के पास्ता क्योंकि हमने नहीं किया शाम को नाश्ता. और ये पहला पास्ता का बाइट जाएगा हमारी सिस्टरा को. सरप्राइज मुझ पर ही करेगा क्या? खा चुका. नाइस, बहुत अच्छा बना पास्ता. आई एम हैप्पी कि पास्ता ब्लू कलर के हो गए, वरना आज रात को मुझे भूखा ही सोना पड़ता. पास्ता को ऐसे अकेले खाने में मजा नहीं आ रहा, साथ में कुछ तो पीना बनता है, राइट? चीयर्स. डिनर के बाद मीठे का भी इंतजाम हो चुका है. जब मैं मैक्रून्स ऑर्डर कर रहा था, मुझे एक मस्त वाली चीज मिली है जो मैं खाऊंगा रात को खाने के बाद. मिलता हूँ आपको ये खाने के बाद वो खाने पे. हाँ, फाइनली मुझे कुछ फुल मील खाने मिला, पेट भरा मेरा. एंड इस चीज के लिए तो मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, बिकॉज खाने के बाद मैं खाने वाला था आइसक्रीम, वो भी ब्लू आइसक्रीम. तो मुझे दिख गई, एंड गाइज लुक एट द कलर, ओह माय गॉड लुक एट द कलर. चीयर्स. बहुत ही मजेदार आइसक्रीम, मैं पहली बार ये टेस्ट कर रहा हूँ. एंड मुझे पता नहीं था कि ब्लू कलर की आइसक्रीम इतनी टेस्टी होती है, जबकि मेरा फेवरेट है ब्लू कलर. आई मीन वाओ, मैंने कैसे नहीं खाई आइसक्रीम, दिस इज सो अमेजिंग. तो चलिए मैं आइसक्रीम फिनिश करता हूँ, कोई मूवी देखता हूँ. एंड यस, सी माई ब्लू स्पेक्स, आई टोल्ड यू आई लव ब्लू कलर सो मच. एंड यस, इवन फॉर माई कार मैंने बहुत ही महीनों वेट किया, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग दैट मिडनाइट ब्लू कलर. सो यस, वो स्पेशली मेरे लिए ऑर्डर करके मंगवाया गया, तब जाके मुझे मेरी कार मिली. सो यस, आई लव ब्लू कलर सो मच. एंड आप भी अपना फेवरेट कलर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. चीयर्स.